अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। जैसा कि ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास एक चैनल सीआरटी टीवी और इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है ईप्रॉम एरर। मतलब ये कि हमारी जो मेमोरी है वो करप्ट हो चुकी है, तो उसको हमने किस तरह रिपेयर करना है और कौन से पॉइंट जो हैं हमारे जो है डाटा के हैं। ये बेसिक जो है डाटा जब करप्ट हो जाए तो इस किस्म का प्रॉब्लम जो है हमारी ऑन स्क्रीन टीवी जो है वो शो करती है। तो हमने इसको किस तरह रिपेयर करना है, कौन से वोल्टेज चेक करने हैं और अगर हमारी 3600 लगी हुई है तो उसकी कौन सी पिन जो है उस पर हमारा डाटा का जो है ये कनेक्शन है, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हमारी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुसन बिलखसूस जितने भी हमारे यंग टेक्नीशियन हैं। ये बेसिक ही मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमारी वीडियो जो है हमारे यंग टेक्नीशियन के लिए होती हैं ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। तो अगर उनको किसी किस्म का मसला दरपेश आए तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मोहम्मद शफीक PK665 और व्हाट्सएप है 03453958708। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर 24 आवर डे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका फॉल्ट जो है वो ट्रेस आउट करने की कोशिश करें या आपको बता दिया जाए। तो ये देखें, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने वोल्टेज को चेक करना है सबसे पहले, जो कि हमारी मेमोरी के वोल्टेज हैं। ये हमारी मेमोरी जो है 5 वोल्ट ऑपरेटेड होती है और इस पर हमारे वोल्टेज जो है ये आ रहे हैं। मतलब ये कि इसमें हमारे वोल्टेज का कोई इशू नहीं है, हमारे वोल्टेज कम भी नहीं है। और अगर इस तरह का कोई मसला हो तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे 1, 2, 3, 4 एक साइड पे वो हमारा ग्राउंड होता है मेमोरी का और दूसरी साइड जो है वो हमारे वोल्टेज होते हैं जिसमें हमारा डाटा शामिल होता है। और अगर ये हमारा डाटा हमारी मेन आईसी के साथ 3600 हो, 3810 हो, इसके साथ अगर डिसकनेक्ट हो जाए तो फिर भी ये जो है ये मैसेज शो करता है ऑन स्क्रीन। तो ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने इन पॉइंट को चेक करना है जो कि हमारी इस सिस्टम आईसी के हैं 3600 के। ये सबसे पहले लास्ट जो पॉइंट हैं इसके ये डाटा के हैं, ये 2 पॉइंट लास्ट वाले, और इसके बाद ये 2 आखिरी और हमारी जो आईसी है इसके दोनों दरमियान वाले ये हमारे डाटा के पॉइंट हैं। और ये देखें, यहाँ पे ये हमारे ख़त्म हो चुके थे, मिसप्लेस थे। यहाँ पे ऊपर बिल्कुल इसका सोल्डरिंग लगी हुई थी लेकिन ये डिस्कनेक्ट थे हमारे मेमोरी आईसी के साथ। यहाँ पे आप जंपर भी इसको डाल सकते हैं और अगर आप प्रिंट को जो है वो रीसोल्ड करना चाहें तो वो उस प्रिंट को रीसोल्ड भी कर सकते हैं और इसका जो है रबता हमारी मेमोरी आईसी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, जंपर अगर डालना चाहें तो वो भी, और अगर आप इसको सोल्डरिंग करना चाहें प्रिंट को तो वो भी। ये दोनों तरीक़ों के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लगा दिए और उसके बाद अभी मैं इसको ऑन करूँगा और ये मैं आपको चेक करवाऊँगा कि ये वोल्टेज जो है ये भी आप देख रहे हैं, ये हमारे 5 वोल्ट यहाँ पर अब मुकम्मल हो चुके हैं जो पहले के 2 आ रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे डाटा के 5 वोल्ट जो हैं ये हमारी मेमोरी आईसी थ्रू होके ये सीधे हमारे जो है इस सिस्टम आईसी पे, और ये हमारे वोल्टेज मुकम्मल हैं। अब हम इसको लगाएंगे और लगा के चेक करेंगे कि आया कि ये प्रिंट का मसला था या कि वाकई में हमारी जो है मेमोरी आईसी करप्ट हो चुकी है। तो ये देखें, यहाँ पे ये अभी हमारा ऑन हो चुका है टीवी और जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो क्लियर हो चुकी है। आप इसको जो है मेन्यू भी खोलें, बिल्कुल ओके है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये सिंपल सी वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।